गाइस वेलकम टू माय चैनल फ्लाइंग मेडिको. आई एम प्रियदंकर हियर. आई एम राइट नाउ इन लवीव सेंटर. सो एज यू नो आई एम स्टूडेंट इन लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी. एंड गाइस फाइनली मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है एंड आई फाइनली पास्ड आउट इन सेकंड ईयर. सो गाइस एग्जाम्स के बाद अब छुट्टियां चल रही हैं एंड नाउ इट्स टाइम कि हम थोड़ा एंजॉय करें. और अब ये भी है कि अब 2 महीने की छुट्टी है तो अब इंडिया भी जाना है. सो कि यहाँ पे लॉकडाउन खुल चुका है एंड इट्स राइट नाउ यहाँ पे केसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन पीपल आर एंजॉय देयर लाइफ. एंड आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से पहले जैसा माहौल हो गया है. सभी शॉप्स खुल रही हैं और पार्टी हो रही है. एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ. सो हम अब सोच रहे हैं कि इंडिया कैसे जाएं. आप सभी को पता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो अभी बंद है एंड प्रोबेबली अभी शायद जुलाई में बंद ही रहें, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अभी केसेस थोड़े ज़्यादा ही हो रहे हैं. एंड मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द जुलाई फ्लाइट्स खुलें इंटरनेशनल. बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इंडिया जाने का है प्लान, वो पहले वंदे भारत से था. वंदे भारत मिशन चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मेल नहीं आ पाई उस पे, वंदे भारत पे. तो अभी यहाँ पे कीव से चार्टर्ड प्लेन ऑर्गेनाइज हुए हैं. पिछले 3 दिन से चार्टर्ड प्लेन जा रहे हैं इंडिया, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया जा रहे हैं थ्रू चार्टर्ड प्लेन. सो मेरी भी आज की फ़्लाइट थी एट द 3rd of July, बट स्टिल ड्यू टू सम रीज़न वो थोड़ी डिले हो गई है. सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अब 1-2 दिन बाद इंडिया जाने वाली हूँ. पूरे 1 साल बाद मम्मी पापा से मिलूँगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है घर जाने के लिए. यहाँ पे फेमस चॉकलेट्स हैं, वो सब लेंगे और आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे है, मतलब कैसा माहौल चल रहा है अभी. और अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा है. गर्मियाँ आ गई हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सर्दी थी. नॉर्मली यहाँ पे आई गेस अप्रैल से जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक गर्मियाँ ही रहती हैं, बट अभी तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है. और चलिए एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी. जो मेरा न्यू सेशन है वो वैसे नॉर्मली तो सितंबर से स्टार्ट होता है, बट ड्यू टू कोविड इट मे बी डिले. और जो नए स्टूडेंट हैं, और हाँ आज जो आपको पता है कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि जो हमारा नीट है वो डिले हो गया है. इट विल बी हेल्ड इन 16th of September. सो अगर 16th September को एग्ज़ाम है तो उसके बाद हमारे रिजल्ट्स भी लेट आएंगे और यहाँ पे भी प्रोबेबली एडमिशन थोड़े लेट ही स्टार्ट होंगे. तो वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है कोविड की. और जो मेरी फ़्लाइट है जो चार्टर्ड प्लेन ऑर्गेनाइज हुआ है, मैं उसका पूरा व्लॉग बनाऊंगी, प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या फैसिलिटी मिली है हमें चार्टर्ड प्लेन में. उसका जो हमारा टिकट प्राइस हुआ है वो 46,000 का हुआ है वन वे साइड. एंड मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या प्रिकॉशंस हुए हैं फ्लाइट ड्यूरिंग फ्लाइट एंड ड्यूरिंग एयरपोर्ट्स. चेक इन कैसे होगा, डिपार्चर, सारा प्रोसीजर मैं आपको अपने पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी. और हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा, तो वो ब्लॉग भी आपके पास जल्दी आएगा. एंड फिलहाल तो आप देखिए लवीव का माहौल, क्योंकि अब मैं जल्दी जाने वाली हूँ तो ये नाइट तो इन्जॉय बनती है. यहाँ पे जो ये यहाँ का फेमस स्क्वायर है, सेंटर स्क्वायर, उसके पास यहाँ पे जनरली कोई ना कोई म्यूजिक शो होता रहता है एंड काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे. और अभी तो रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रात नहीं हुए, आज कल रात लेट होने लगी है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक यहाँ पे छोटा सा म्यूजिक शो हो रहा है. लेट्स एंजॉय द म्यूजिक. दिस इज यूक्रेनियन म्यूजिक. ओके बारिश शुरू हो गई है.
थोड़ा मैंने आपको बताया था आजकल बारिश ज़्यादा हो रही है, बट स्टिल वी इन्जॉय द रेनी सीजन। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बार जो है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है कि सारे रेस्टोरेंट बार खोल दिए गए हैं, बट स्टिल यहाँ रूल ये बनाए कि सारे रेस्टोरेंट जो है उनके अंदर सिटिंग प्लान नहीं होगा, सारे ही रेस्टोरेंट्स के बाहर सिटिंग प्लान ऑर्गेनाइज किया हुआ है और जो भी लोग आ रहे हैं वो सैनिटाइजिंग हो रहे हैं और मास्क कंपल्सरी है एंड पीपल आर एंजॉयिंग देयर फूड इन आउटसाइड सिटिंग प्लान। मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे ये फेमस सेंटर स्क्वायर है एंड दीज आर द मेन हब ऑफ द पीपल ऑफ गैदरिंग एंड एंजॉयिंग देयर नाइट्स। यहाँ पे पूरी रात हलचल रहती है, चाहे आप रात के 2 बजे क्यों ना आए, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। एज यू ऑल नो लवीव इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और जो ये लवीव सिटी है वो एक टूरिस्ट सिटी है यूक्रेन के अंदर, तो इसलिए जो मेन दूर दूर से लोग यूक्रेन के भी और आउटसाइडर भी मेनली लवीव को देखने के लिए आते हैं, यही रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं और यहाँ पे पूरी रात एक माहौल रहता है घूमने का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बार्स और जो हैं रेस्टोरेंट हैं वो पूरी रात खुले रहते हैं एंड रियली इट्स वेरी नाइस सिटी। और मैं आपको इसकी अभी थोड़ी बहुत जो वीडियो शूट जितनी भी होगी, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश हो रही है यहाँ पे, शायद अच्छे से ना शूट हो सके, बट स्टिल जितना भी मेरे से शूट होगा मैं आपको दिखाऊंगी जो यहाँ का सिटी स्क्वायर है। वैसे तो मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं इसकी, बट लॉकडाउन चल गया और उसके बाद मैं उनको डाल नहीं सकी एंड आई प्रोमिस यू मैं उनको जल्दी डालूंगी यूट्यूब पर। गाइज बारिश की वजह से अभी हमें जाना पड़ेगा, तो आज के लिए इतना ही इसी ब्लॉग में, अभी मैं आपको इतना ही दिखा पाई, लेकिन जब वापस आऊँगी तो और ज़्यादा आपको एक्सप्लोर कराऊँगी लवीव। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ अगर लवीव एक्सप्लोर करना है तो ज़रूर ज़रूर चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।